हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं फिर से एक डिफरेंट यूनिक सा वीडियो लेके आ गई हूँ। जी हाँ, टाइटल आपने देख ही लिया है, सिर्फ टू यूपिंस की मदद से ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। कितने हेयर स्टाइल बनते हैं सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पर शो हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोच प्रीत तिवारी, जिसपे मैं सिलाई की अमेजिंग वीडियोज़ डालती रहती हूँ। सिलाई में जो बारीकियाँ होती हैं, डिजाइनर ड्रेस, डिजाइनर स्लीव, डिजाइनर ब्लाउज, सूट, सलवार, पैंट, प्लाजो, सब कुछ, तो प्लीज़ जाके चेकअप कर दीजिए। अपनी इंस्टा आईडी प्रीत24 है। तो सबसे पहले अपने बालों को एक पोनी बना लेंगे हम लोग। फर्स्ट हेयर स्टाइल है ये हमारा। हाई पोनी बना लेंगे। ओके, आप टाइटली बना लीजिएगा, जितना टाइट आपको रखना है, और सिंपली इस तरीके से करके ध्यान से देखिए, ऐसे पोनी के नीचे से हैंड को लेके जाना है और ऐसे खींचना है, और बाकी बचे हेयर्स को इसके रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेट देना है, और इस तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज रखना है। इस तरीके से अपने पोनी को बन को इस तरीके से फैलाना है, और एक यूपिन आप यहाँ पे लगा दो और दूसरा यूपिन जस्ट इसके सामने, और ये हमारा हेयर स्टाइल हो गया। लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वन हेयर स्टाइल होगा ओनली टू यूपिन की हेल्प से। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सेकेंड हेयर स्टाइल में पोनी को थोड़ा सा और हाई करना है इस तरीके से। हाई पोनी बनाने के बाद से फिर से रबड़ बैंड लगा लेना है। ओके, थोड़ा सा टाइट रखिएगा रबड़ को। उसके बाद से एक रबड़ को थोड़ा सा लूज करिएगा, यहाँ से फिंगर को इंसर्ट करना है इस तरीके से। ओके, फिंगर को इंसर्ट करने के बाद से सारे पोनी के हेयर्स को दोनों फिंगर के बीच में लेके आगे की तरफ से खींच लेना है इस तरीके से, और रबर बैंड को टाइट कर देना है ताकि रबर बैंड हाइड हो जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से थोड़े से हेयर को खींच लेंगे ताकि थोड़ा पफ का लुक आ जाए। बाकी बचे हेयर्स को इस तरीके से ट्विस्ट करना है, और ऐसे करके यूपिन की हेल्प से आपको इसको सेट कर देना है। और ये बिल्कुल नहीं खुलता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला बन हेयर स्टाइल, वाओ। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। आप चाहो तो हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच सकते हो इस तरीके का लुक देने के लिए। बैक से कुछ ऐसा दिखेगा और फ्रंट से ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया ओनली टू यूपिंस की मदद से, है ना, काफ़ी प्यारा सा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है बालों की। और यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देना है। टाइट रखना है इसको, लूज नहीं करना है। ओके, ऐसे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट यूपिन की मदद से हेयर स्टाइल बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ब्राइड बना लेनी है। सिंपल ब्राइड जैसे आप बनाते हो, थ्री लेयर्स वाले इस तरीके से ब्राइड बना लेंगे।
ब्राइड बनाने के बाद से आपको जो आपने ब्राइड बनाया हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा खींच लेना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा आपके ब्राइड में। और इसको खींचने के बाद से दोनों साइड से खींच लीजिएगा और इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट देना है। ओके, और सिंपली टू यू पिन से इसको सेट कर देना है। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया ओनली टू यू पिन्स की हेल्प से। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपकी स्कैल्प दिखती हो मेरी तरह तो आप थोड़ा थोड़ा हेयर को अच्छे से खींच लीजिएगा यहाँ से, और चाहे ब्लैक वाला जो आई शेडो आता है उसको यहाँ पे लगा दोगे तो आपकी स्कैल्प दिखेगी नहीं। ओके, तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल आपको बैक से बनाना है। सारे बालों को इस तरीके से पोनी बना लेंगे। पोनी थोड़ा सा हाई बनाना है, ज़्यादा लो नहीं बनाना है, और पोनी को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बनाना है, टाइट नहीं बनाना है। उसके बाद से एक होल करना है हेयर में और रबर बैंड को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, और सारे हेयर्स को साइड से इंसर्ट कीजिएगा। बीच में करोगे तो आपका यहाँ से फट जाएगा ये हेयर और सारे बाल बाहर की तरफ आने लग जाएंगे। तो साइड में इस तरीके से इंसर्ट करते जाइए। ओके, उसके बाद से आपको सिंपली यहाँ से ऊपर से हेयर को पकड़ना है और यहाँ पे एक यू पिन लगा देना है। तो ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा है, ये सिंपली एक यू पिन से भी हो जाएगा आपका, दो यू पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ओनली वन यू पिन की मदद से ये वाला काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। और फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है। और लेयर्स तो निकालना बनता ही है मेरे फेस के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग लेयर सूट करता है, सब पे नहीं सूट करता है। तो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल बनाइएगा। मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं सारे हेयर स्टाइल, लॉन्ग फेस के लिए, शॉर्ट फेस के लिए, चौड़े माथे के लिए, छोटे माथे के लिए, छोटे फेस के लिए, हर टाइप का फेस फ्रेमिंग अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे आपको हेयर स्टाइल मिल जाएगा। तो ये चौथा हेयर स्टाइल हो गया हमारा। चलते हैं पांचवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ पहले। पांचवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली अपने सारे बालों को एक लो पोनी टेल बनानी है। आप अगर मांग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। लो पोनी टेल बना लेंगे यहाँ पे। ओके, लो पोनी टेल बनाने के बाद से आपको इसकी फ्रेंच ब्राइड बना लेनी है। फ्रेंच ब्राइड बनाने के लिए मैंने अलग से भी वीडियो डाली हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। इस तरीके से फ्रेंच ब्राइड बना लेना है थोड़ा थोड़ा हेयर लेके। अगर आपको बैक से बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से फ्रंट में कर लोगे हेयर को, और थोड़े थोड़े लेयर्स लेके फ्रेंच ब्राइड कंप्लीट करोगे पहले। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस टाइम थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम है, धूप बहुत तेज़ है जो कि खिड़की में से रूम में आ रही है पर्दा लगाने के बाद भी, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड इग्नोर इट। तो पूरा ब्राइड बनाने के बाद से पूरा ब्राइड बनाने के बाद से आपको सिंपली अपने रबर बैंड के चारों तरफ इसको लपेट देना है। और जब आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो ध्यान दीजिए कि आपका रबर जो है
जो आपने रबड़ बैंड लगाया हुआ है वो अच्छे से हाइड होना चाहिए। ओके, अगर आप सिर्फ दो ही यूपिन यूज कर रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप बड़ी वाली यूपिन लो, ये निकलती नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग रखती है आपके बन को, हेयर स्टाइल को। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है और ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, वो भी सिर्फ दो यूपिंस की हेल्प से। अगर आपको सारे हेयर स्टाइल पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और सॉरी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ और हम लोग का फैमिली बहुत बड़ा हो पाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय गाइस। फाइनल लुक देख लो एक बार इसका।